जांजगीर जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं अजीत जोगी का पुतला फूंका। कांग्रेस ने अंतागढ़ उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या और नान घोटाले मामले में नाम आने पर कचहरी चौक पर ऑडियो टेप चलाकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेसियों का कहना है कि घोटाले में नाम आने पर रमन सिंह और अजीत जोगी का असली चेहरा सामने आ चुका है। मैं समझता हूं ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और दूसरा, आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाला हुआ, उसमें स्पष्ट तौर पे डॉक्टर रमन सिंह का नाम आया है। इसलिए देखा जाए तो डॉक्टर रमन सिंह, अजीत जोगी दोनों का चोली दामन का साथ रहा है और भारतीय राजनीति को इन दोनों के कृत्य ने कलंकित किया है। और आज तमाम जाँच के बाद ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका है कि दोनों मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और अजीत जोगी जी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय के षड्यंत्र को उन्होंने उजागर किया था, लोगों के सामने लाया था। और मंतूराम पवार के अस्वीकारोक्ति के बाद ये बात तय हो गया है कि प्रजातंत्र का चीरहरण पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके पुत्र अमित जोगी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनके दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने